हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के पार्ट 2 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे चेकआउट करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम किम्बरली नाम की एक मॉडल को देखते हैं जो कि एक शूट के लिए जंगल में आई होती है, लेकिन जंगल के रास्ते के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। इसलिए वो अपने मैनेजर को कॉल करती है, तभी उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। और जब वो अपने मैनेजर से इस बारे में जानकारी लेती है तो वो उसे पेपर मिल वाले रास्ते पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। किम्बरली अपने मैनेजर से बात करती हुई आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसका कॉल कट हो जाता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो नो सिग्नल है। उसका ध्यान फोन पर था कि तभी उसकी गाड़ी से कोई आदमी जाकर टकरा जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कार से निकलकर उस आदमी को जाकर देखती है कि कहीं उस आदमी की मौत तो नहीं हो गई है। जब किम्बरली उस आदमी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी अचानक वो आदमी उठकर उस पर झड़प पड़ता है और किम्बरली को काट लेता है, लेकिन किम्बरली हार नहीं मानती और वहां से खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है कि तभी उसके सामने एक और आदमी आ जाता है जो बड़े अजीब तरीके का म्यूटेंट होता है। और इस आदमी का नाम थ्री फिंगर था, जो किम्बरली को बीच में से ही काट देता है और वो दोनों उसका आधा आधा हिस्सा लेकर वहां से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डेल मर्फी नाम के आदमी को देखते हैं जो एक रियलिटी शो को शूट कर रहा था, जिसने केन्या के जंगलों में उस कंटेस्टेंट को बुलाया था जिसमें से एक किम्बरली भी थी, पर उसकी तो अब मौत हो चुकी थी। जिस बात से टीम के सभी मेंबर बिल्कुल बेखबर थे। जिसके बाद हमें शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है। अब डेस्टिनेशन पर सारे कंटेस्टेंट पहुंच जाते हैं, पर वहां किम्बरली नहीं होती तो डेल कहता है कि हम अब उसके बिना ही शूटिंग करेंगे। इसके बाद माइकल के पास चारा नहीं होता तो वो शो की दूसरी डायरेक्टर मारा से कहता है कि क्या तुम किम्बरली के बजाय इस शो में परफॉर्म करोगी। मारा भी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी तो वो उसकी बात बिना सोचे समझे मान जाती है। इसके बाद वो सब वहाँ कैमरा सेट कर देते हैं। पूरे जंगल में वो सारे कंटेस्टेंट पर भी माइक और कैमरा सेट कर देते हैं ताकि वो सब उन पर नजर रख सके। जिसके बाद देखते ही देखते टास्क शुरू हो जाते हैं और डेल उन सबको बताता है कि तुम्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। ये उनका एक टास्क होता है। वो सारे कंटेस्टेंट को अलग अलग टीम में शिफ्ट कर देते हैं और अब गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नील को थ्री फिंगर बहुत ही बेरहमी से मार देता है, पर आरवी में उस टाइम कोई नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं होता कि नील मर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम डेल को देखते हैं जो कि जंगल में अपने कैमरास फिट कर रहा होता है। वो टास्क के लिए तैयारी कर रहा था कि तभी वो अपनी गाड़ी में वापस बैठकर जाने लगता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी को किसी ने पंचर कर दिया है। वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा किसने किया होगा, यहाँ आखिर ऐसा कौन है, कि तभी उस पर भी कोई तीर से हमला कर देता है। पर डेल तो एक आर्मी ऑफिसर था तो वो इन सब चीजों के बारे में जानता था और वो बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां थे फिंगर आ जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, पर डेल वहां से बच जाता है और थ्री फिंगर पर अपना चाकू निकालकर वार कर देता है। पर उसकी इस चीज का थ्री फिंगर पर कोई भी असर नहीं होता और वो उस चाकू को अपने शरीर से निकाल कर चाटने लगता है। डेल ये सब देख कर बहुत चौंक जाता है। वो भागने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी उसके पीछे एक और म्यूटेंट आ जाता है और उसे मार कर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि टीम को शूट कर रहा होता है। माइकल चाहता था कि उनका रियलिटी शो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, तो वो जैक को कहता है कि तुम इस लड़की के साथ अफेयर करो जिससे हमारा शो दूसरे तरीकों से भी फेमस हो जाए। इस लड़की का नाम अलीना होता है, पर दूसरी तरफ जैक कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि ये रियलिटी शो है, मेरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं। पर अलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी तो वो माइकल के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि यही उसके पास रास्ता था जिससे वो हीरोइन बन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम रियलिटी शो के दो कंटेस्टेंट को देखते हैं जिनका नाम नीना और मारा होता है। उनको एक खतरनाक टास्क मिलता है कि उन दोनों में से जो सबसे पहले रिवर के पास से झंडा निकाल लेगा वही विनर होगा, जिससे देखते ही देखते मारा जीत जाती है। पर वो माइकल और अलीना को एक साथ देख लेती है जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है।
क्योंकि वो माइकल को पसंद करती थी और वो उसी के लिए ही इस रियलिटी शो में आई थी। पर अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम एम्बर और जॉन्सी नाम के कंटेस्टेंट को देखते हैं जो दोनों बातें करते हुए जंगल में आराम से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक मीट का टुकड़ा आग में पकता हुआ दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि यही उनका टास्क है, तो वो दोनों उसको वहां से उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी मारा बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, तो वो इधर उधर कुछ साधन ढूंढने लगती है। तभी उसको एक घर दिखाई देता है। ये घर काफी टूटा हुआ होता है। ये दोनों लड़कियां उस घर में अंदर चली जाती हैं ताकि वहां से कोई टेलीफोन ढूंढ सके और बाहर जाकर किसी को कॉन्टेक्ट कर सके ताकि वो उसको यहाँ से ले जाए। यहाँ उन्हें डिफॉर्म फैमिली की फोटोज दिखाई देती हैं। इसमें केवल चार लोग थे, पापा, मदर, सिस्टर और ब्रदर। वो दोनों फोटोज ही देख रहे थे कि तभी वहां चिल्लाते हुए कोई आ जाता है। और जब वो दोनों छुप कर देखने लगती हैं, तो वहां माँ और सिस्टर आती है। वो दोनों देखती हैं कि उनमें से माँ प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन हो रहा होता है। तभी वो बेड पर एक बच्चे को जन्म देती हैं। ये बच्चा भी डिफॉर्म होता है। वो दोनों उस बच्चे को देख रही होती हैं, तो वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी उनमें से सिस्टर की नजर उन लड़कियों पर पड़ जाती है और सिस्टर उनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो दोनों लड़कियां भागते भागते इस घर के रूम में छुप जाती हैं और दरवाजे के आगे एक बेड लगा देती हैं ताकि सिस्टर अंदर ना आ सके। सिस्टर भी बाहर से दरवाजा तोड़ने लगती हैं। उन दोनों के पास अब कोई भी चारा नहीं होता क्योंकि सारी खिड़कियां लॉक्ड थीं। तो उन दोनों को उस कमरे की टॉयलेट पॉट से निकलना पड़ता है। वो दोनों जान बचाकर वहां से भागती हैं, पर तभी उनको भागते हुए सौतुत देख लेता है और कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो कि सीधा जाकर मारा के सर पर लगती है और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। पर मारा के लिए नीना नहीं रुकती और वहां से भाग जाती है। वो अपनी जान बचा रही होती है कि तभी ट्रक लेकर वहां माँ आ जाती है और अपने ट्रक के आगे मारा की बॉडी को बांध के रखती है। ये काफी वल्गर लग रहा था। इसके बाद माँ मारा की उंगली चबाती है और उसको चबाकर नीना के सामने फेंक देती है, पर वो अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि उनको उसकी जगह पता ना चल पाए। और जब वो वहां से चले जाते हैं तो नीना वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिना अकेली रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट एलिना को देख रहा होता है। ये म्यूटेंट ब्रदर होता है और इसी टाइम सिस्टर वहां आ जाती है, जो एलिना से जलने लगती है और एलिना को मारना शुरू कर देती है। सिस्टर एलिना की पीठ पर चाकू से लगातार इतने वार करती है कि उसकी हड्डियां तक दिखने लगती हैं। ये काफी ब्रूटल होता है। दोस्तों, आपको ये पता ही है कि डेल पहले भी आर्मी ऑफिसर रह चुका है और यहाँ डेल बड़ी ही बहादुरी से थ्री फिंगर का सामना करता है और आखिर में उसके हाथ से उसी की गन लेकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल को देखते हैं, जो कि आरवी में जाकर अपने कैमरास चेक करने लगता है कि तभी उसकी आरवी को चलाकर वहां से जाने लगता है। माइकल को लगता है कि नेल उसे चला रहा है, पर असल में यहाँ माँ और पा उस गाड़ी को चला रहे होते हैं और पा माइकल को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉनसन, अंबर और जैक को देखते हैं कि तभी वहां पर उनके पास हाफते हुए नीना आ जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, पर उन्हें लगता है कि ये भी एक टास्क का हिस्सा है। नीना उन सबसे कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, पर जॉन को लग रहा था कि वो बस मजाक कर रही है कि तभी उन सबकी नजर मीट के टुकड़े पर पड़ती है जिसे वो खा रहे थे। इस मीट पर वही टैटू बना हुआ था जो किम्बरली की बॉडी पर था, जिससे उन सबको पता चल जाता है कि वो असल में कुछ और नहीं बल्कि किम्बरली को खा रहे थे। और अब उन सबको नीना की बातों पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो सब तेजी से आरवी की तरफ भागते हैं। पर जहां पर आरवी खड़ी थी वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं, जो गैस स्टेशन के मालिक के पास पहुंचता है, जिसे हमें रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। वो डेल को बताता है कि वो म्यूटेंट इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट का नतीजा है। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि वो मेरा बेटा था। तभी डेल वहां मौजूद एक डायनामाइट उस आदमी के पीछे लगा देता है, जिससे उसके चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
कि उसकी मदद के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि वो म्यूटेंट ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, जिन्हें देखते ही नीना सबको छोड़कर वहां से भाग जाती है। पर वो तीनों किसी तरह उनका मुकाबला करते हैं और उनसे बचकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि नीना बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है और खतरा देखकर वो बाकी लोगों को छोड़कर भाग गई। फिर भी जैक उसे ढूंढने जाता है। नीना की चिल्लाने से वो उसे ढूंढ भी लेता है और किसी तरह से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तभी उन्हें म्यूटेंट की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से जल्दी वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो बिल्कुल अंत तक पहुंच जाते हैं जिसके नीचे रिवर थी। तभी सिस्टर वहां पहुंच जाती है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है जिससे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो दोनों वहां से कूद जाते हैं। उधर भागते भागते जॉन से एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में अंबर भी फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहां पर आ जाते हैं। पा उनके ऊपर निशाना लगाने वाला था, तभी पा अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक किसी तरह से मिल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें अलमारी में एक छोटे बच्चों का कंकाल मिलता है जिसे देखकर नीना बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए वहां छुपी होगी, पर इंतजार करते करते वो वहीं पर मर गई। ये देखकर नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि अंबर और जॉन्सी भी आने ही वाले होंगे। वहां उन्हें विक्टिम की कार दिखाई देती है जो कि बहुत सारी थी। तभी वहां उनको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे वो दोनों उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अंदर टीवी पर माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी जहां माँ उसे मार देती है और जैक को समझ आता है कि ये ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और म्यूटेंट उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। फिर जब नीना की आंख खुलती है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है जहां जैक को भी लटका रखा था। वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर से पहले वो सब प्लान भी करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में भी खाना डाल देता है। फिर माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट पार्ट फेंक रही होती है, तभी डेल वहीं पर छुपकर उसे देख रहा था और उसके जाते ही वो बाहर आ जाता है, लेकिन गलती से उससे आवाज हो जाती है और सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी डेल ब्रदर और सिस्टर को जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। फिर डेल वहां जाकर नीना की मदद करता है और उन दोनों को ही आजाद कर देता है। तभी वहां पर पा आ जाता है जो अपने बच्चों के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और डेल पर तीर से अटैक कर देता है। तभी वहां पर माँ डेल की तरफ एक हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और गर्दन कट जाती है। नीना मिल से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैक गलती से ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है जहां पर दोनों म्यूटेंट भी पहुंच जाते हैं और उसे ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं और इस बार वो सेल्फिशनेस छोड़कर उसे बचाने जाती है। फिर वो पा की गर्दन पर काट कर सारा मांस उखाड़ लेती है, जिसके बाद जैक किसी तरह पा को ग्राइंडर में धकेल देता है जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नीना उन्हें एक एक करके लकड़ी के टूल से धक्का दे देती है जिससे वो दोनों ही ग्राइंडर में गिर जाते हैं और उन दोनों का कीमा बन जाता है। फिर नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं जो कि किम्बरली की ही थी। लेकिन मूवी यहीं पर एंड नहीं होती। हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और डीफॉर्म बच्चे को उंगली खिला रहा है। इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।